स्ट्रेस्ड एंड कर्व की चीज़ है फाइबर अप्रोच में। कन्फाइंड कॉन्क्रीट की स्ट्रेस्ड एंड कर्व डिफरेंट होगी, अनकन्फाइंड की डिफरेंट होगी, थोड़े से कम कन्फाइंड की डिफरेंट होगी, ज़्यादा कन्फाइंड की डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है कि जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही हमारे हाथ में है तो हम तो अब कोई बिहेवियर भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है उसमें वो फीचर डाल देंगे। लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रीबार्स हैं, जब मेरा कॉलम में डली हुई हैं रीबार्स, जब रिवर्सल ऑफ फोर्सेज होती है तो एक तरफ की बार्स टेंशन में होती हैं, दूसरी तरफ की कंप्रेशन में होती है, और अगले ही लम्हे ये उलट हो जाता है। अब रीबार्स अगर प्रॉपरली कन्फाइंड नहीं है तो वो बकल हो सकती हैं कॉलम के अंदर ही, क्लासिकल टेक्स्ट बुक टाइप का फेलियर है, ठीक है। ये फेलियर सिर्फ फाइबर मॉडलिंग से कैप्चर हो सकता है, बकलिंग ऑफ रीबार्स। कैसे? कि आप जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर दें वो इस तरह का दे दें। मैं चलें यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। नॉर्मल स्टील रीबार का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा होता है, ऐसे, ठीक है। आइडियलाइज्ड बिहेवियर बना रहा हूँ कि बायलिनियर टाइप का होता है, एक यील्ड होता है, फिर थोड़ी सी स्ट्रेन हार्डनिंग अगर डालना चाहें, और उसके बाद अल्टीमेट फेलियर। कंप्रेशन और टेंशन दोनों में सेम टेंसाइल कैपेसिटी, सेम फेलियर कैपेसिटी दी जाती है। तो जो पॉजिटिव पे एफ वाई है, लेट से ये टेंशन साइड है, वही एफ वाई आपका कंप्रेशन में होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रीबार यील्ड बकल भी हो सके, ये फीचर भी मॉडल में हो कि अगर बार बकल हो प्रोग्राम बता दे, तो कैसे डाल सकते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मॉडिफाई कर लें, टेंशन में इसको फुल कैपेसिटी दे दें एफ वाई, और कंप्रेशन में जो ऑयलर का क्रिटिकल बकलिंग लोड है उस बार के लिए PCR, उसके बाद आगे इस कर्व को आगे ना बढ़ाएं बल्कि सडन फेलियर करवा दें, ठीक है। अब प्रोग्राम को नहीं पता कि ये बकलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए तो एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। कोई भी मटेरियल प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही है, नॉन लीनियर की अगर बात करें, और अगर लीनियर की बात करें तो एक इलास्टिक मॉडुलस है। तो यूँ आपने जब ये स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इनपुट डाल दिया रीबार के लिए, तो आपने क्या कह दिया कि टेंसाइल में फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करो, जब ये टेंसाइल में आए तो एफ वाई पे यील्ड हो, जब कंप्रेशन में आए तो क्रिटिकल बकलिंग लोड जो एफ वाई से बहुत पहले होगा उसी पे इसको फेल डिक्लेयर कर दो, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये बकलिंग है प्रोग्राम के लिए, तो ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी, ठीक है। सो बहुत से ऐसे इन इलास्टिक एक्शंस हैं जो सिर्फ फाइबर अप्रोच से ही कैप्चर हो सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कंक्रीट की टेंसाइल क्रैकिंग, अब आप जब प्लास्टिक की जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ तो फुल मेंबर का यील्ड मोमेंट दे रहे हैं ना, ठीक है। तो लिहाजा वहाँ पर तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी बीम किस मोमेंट पे यील्ड होगी, उसके अंदर कंक्रीट क्रैक हुआ या नहीं हुआ, अगर उस को आपने सिमुलेट करवाना है तो फिर आपको फाइबर मॉडलिंग में जाना पड़ेगा, आपको फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताना पड़ेगा कि ये क्रैकिंग है, यहाँ से कर्व चेंज हो गई है, फिर ये एफ सी प्राइम पे पहुँच गई है, फिर नीचे आ गई है, ठीक है। सो फाइबर मॉडलिंग में बहुत फंडामेंटल लेवल पे हम नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बाय द वे ये क्रैकिंग वाली जो एग्जांपल है ये प्लास्टिक हिंज के केस में भी कर सकते हैं, अगर आप जो मोमेंट वर्सेज रोटेशन कर्व डायरेक्टली दे रहे हैं उसकी शेप इस तरह की बनाएं कि क्रैकिंग मोमेंट पर पॉइंट उसको डिफाइन कर दें, फिर यील्ड मोमेंट कर दें, फिर अल्टीमेट कर दें, और फिर सो डिपेंडिंग अपॉन आप ये क्या शेप देते हैं एज एन इनपुट, आप डिफरेंट बिहेवियर प्रोग्राम से सिमुलेट करवा सकते हैं, ठीक है।